नमस्कार, डॉक्टर धीरज मरोठी जैन, सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, रेशनी क्लिनिक, अहमदाबाद। आज मैं बात करूंगा पोस्ट कोविड और अल्कोहल इंड्यूस्ड एवियन और पोस्ट ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस में, यदि जिन लोगों का कुल्ला डैमेज हो चुका है, जिनके कुल्ले की आर्थराइटिस हो गई है या कुल्ले का गोला श्रिंक हो गया है, तो उसको क्या सर्जरी होती है, उसके बारे में मैं बात करूंगा। तो इसमें सबसे लेटेस्ट टेक्निक है, वो R2R तकनीक से हम इसका हिप में अनसीमेंटेड हिप डालते हैं, जिसमें सीमेंट नहीं यूज करते हैं, और सिरेमिक का गोला डालते हैं, कप भी सिरेमिक का डालते हैं, ताकि इसकी उम्र लंबी हो। तो ये 30 से 35 साल चल सकता है। तो काफ़ी युवाओं में जब हम हिप रिप्लेसमेंट कर रहे हैं तो ध्यान रखना है इम्प्लांट अनसीमेंटेड और सिरामिक का यूज करना है गोला, ताकि ये इम्प्लांट लंबा चलता है। तो हमें ये जानकारी बहुत जरूरी है। धन्यवाद।